अब हम आ गए हैं हडसन रिवर. इट्स सो ब्यूटीफुल यार, वेरी नाइस प्लेस. ऑब्वियसली आफ्टर दैट ऑल सैडनेस 9/11 की देखने के बाद हम यहाँ पे आए हैं. ये भी बहुत अच्छी जगह है और हम जाएंगे अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी. तो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी जा रहे हैं और आप क्यू देखो ज़रा यहाँ पे. ये फेरी के लिए क्यू है, जो फ्री फेरी है. तो बस यार, मैं फेरी में आया हूँ और आप मेरे पीछे देखो, बहुत बिजी है लेकिन बहुत अच्छा है. आज दिन बहुत अच्छा है एक्चुअली. तो बस अभी हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखेंगे इस फेरी से. बेस्ट मौसम आई थिंक यही हो सकता है, अराउंड 26 डिग्रीज है इस टाइम. We are on Brooklyn Bridge now. बहुत ज़्यादा बिजी है यार, आज धूप भी बहुत है लेकिन वन टाइम वॉश तो करना ही है. तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है. तो हम मिडल ऑफ द ब्रिज पे आ गए हैं अब. और अब ये देखो सामने हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर राइड भी आप कर सकते हो. दिस इज अदर साइड. साइकिल राइड भी है, अगर आप चाहो तो साइकिल राइड भी कर सकते हो. आई थिंक वो ज़्यादा फन रहेगा. यहाँ पे नीचे कार चल रही हैं और ब्रिज है, रियली नाइस है. और ये सारी स्काईलाइन है. तो हम बस वॉल स्ट्रीट आए हैं. ट्रम्प टावर है, ट्रम्प बिल्डिंग है. किसी ने यहाँ पे माउस लगाया हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा है. तो हम बुल देखने आए हैं, फेमस बुल ऑन वॉल स्ट्रीट. इसको कहते हैं टर्मिनल. रियली गुड यार, ऐसे लग रहा है कि अब आए हो आप अमेरिका. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो बहुत ही प्यारा है यार, रियली नाइस. तो ये है सेंट्रल पार्क. काफ़ी बड़ा पार्क है यार यहाँ पे. और यहाँ पे साइकिलिस्ट हैं काफ़ी सारे. आप यहाँ पे स्लो चला सकते हो और वहाँ पे फास्ट चला सकते हो, और रिक्शे भी आ जाते हैं. बड़ी अच्छी जगह है. मिडिल ऑफ द सिटी के अंदर इतना बड़ा पार्क बनाना, इट्स अमेजिंग यार. मैं अभी के लिए यंकीज़ की हैट ले रहा हूँ, उसको एंग्रेव करा रहा हूँ. इट्स लाइक दे कॉस्ट यू लाइक $13 एक्स्ट्रा. अबीर के लिए हैट आ गई है यंकीज़ की, इसमें अबीर का नाम लिखवा दिया मैंने. इट्स रियली लुकिंग नाइस है. आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी. कुछ ज़्यादा गिफ्ट हो गए हैं अभी सूरी आपके लिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो यार मैं बस तैयार हो गया हूँ. आज पहला दिन है कॉन्फ्रेंस का, मतलब कल भी था लेकिन आज पहला मेन दिन है. यू नो व्हेन वी विल सिट डाउन एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग.
तो आज बस मैं तैयार हो गया हूँ सुबह के बदले अभी 7, मैं 5:30 बजे उठ के जिम भी हो आया हूँ। एंड यार यस्टरडे वाज वेरी नाइस, आई कुडंट टेक मेनी वीडियोस, बट ऑब्वियसली अब मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँगा, लेकिन उसके बाद एक दिन और बचेगा जाने से पहले, तो फिर दोबारा घूमने जाऊँगा। मेरा आज का पहला दिन ख़त्म हो गया है कॉन्फ्रेंस का, बहुत लंबा दिन था। अब बजे हैं मेरे ख्याल से 6:30 होने वाले हैं और मेरे को डिनर पर भागना है, तो मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने चेंज कर लिया है, तो बस मैं जा रहा हूँ। एंड एक दिन और बचा है इसके बाद, और उसके बाद यार मेरे घर जाने का इतना मन कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली यार जब इतने दिन आप बाहर रह लेते हो ना, आपका मन नहीं होता कि कितने दिन और रहोगे ऐसे, यू नो। तो बस अब जाने का मन है एंड जाते हैं, अभी डिनर विनर करते हैं। एक दिन और है मेरे बाहर घूमने का, मैं एज वॉक करने जा रहा हूँ, जैसे सिमिलर मैं दुबई में करी थी, लेकिन हाँ मिसिंग अबीर एंड प्रीति अ लॉट। और वेदर अभी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और मैं देखा ब्रिस्टल में भी बहुत अच्छा है जब मैं वापस पहुँचूंगा, तो चलो अच्छी बात है, वीकेंड अच्छा निकलेगा। बट मैंने कहा चलो आज का अपडेट देता हूँ, आज कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा दिन निकला। बट लेट्स गो एंड हैव सम डिनर। तो हम जा रहे हैं एक फिश शॉप पे, एक फिश रेस्टोरेंट है वहाँ जा रहे हैं, तो बस जाके देखते हैं, इन्जॉय करते हैं, और आप लोगों से मिलूंगा मैं उसके बाद या फिर कल सुबह। We are going to a building called Edge. So Edge का view देखने जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं कैसा रहता है। तो हम Edge के ऊपर आ गए हैं और तो बस मैं बाहर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर बाहर से व्यू कैसा है। तो ये है एज, इसमें हमारे को लगे हैं $50 पर पर्सन, लेकिन इट्स वेरी नाइस। पूरी न्यूयॉर्क सिटी यहाँ से देख सकते हो, और क्लीन भी कर रहे हैं बार बार। तो सनसेट होने वाला है, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। This is a place. This is the other side of Edge. और आप यहाँ से you can see whole New York from Hudson River. और वहाँ पे है Statue of Liberty. यहाँ पे जाके It's beautiful. देखो आप नीचे देखो, तब यहाँ खड़े हो, यहाँ पे ग्लास वॉक भी है अभी जब करते हैं, जरा देखो व्यू देखो, ये ऊपर एच से है, लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ जाएंगे अभी हम बालकनी में, बाहर जो आप देख रहे हो बाहर है यहाँ पे, ये जो है वैसे इन्होंने लॉबी बना रखी है ऊपर एक, और उसके बाद ये व्यू है ऊपर से। दुबई के जाने के बाद तो मुझे लगता है सब कुछ फीका लगता है, लेकिन वेरी नाइस यार। आज थोड़ी क्लाउड है यहाँ पे, क्लाउड ना होता तो थोड़ा अच्छा लगता आज, लेकिन क्लाउड है थोड़ा। तो अब रात हो चुकी है, इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, आप ऊपर से व्यू देखो, तो उसमें ग्लास नहीं होता बीच में, सो रियली कूल। ऊपर से बादल हैं वैसे, अब नीचे आ रहे हैं दोबारा बादल, अब बिल्डिंग्स कवर हो रही हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है। बस आज मेरा है लास्ट दिन न्यूयॉर्क में, और इसलिए मैंने कहा चलो एज आ जाते हैं, आज एज देख के जाते हैं। तो मेरी कॉलेज ने बुक मेरे साथ बुक करके रखा हुआ था उससे पहले,
लेकिन यहाँ इज अ नाइस वे टू एंड द ट्रिप. तो मैं यार कल पहुँचता हूँ वापस और कांट वेट टू गो होम. बहुत मिस कर रहा हूँ मैं अभीर और प्रीति को. मम्मी भी आई हुई है, उनको भी मिस कर रहा हूँ. तो बस कल घर पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों से घर पे मिलता हूँ. और अब मैं, हवा बहुत है, शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से आए ना. सो आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर.